हेलो फ्रेंड्स, सरकारी जॉब स्टडी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपको ले चलता हूं अगले यूजेस की ओर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में यूज के बारे में बताया था, और एक बार फिर मैं इसको पहले रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं आपको सिंबल ऑफ, पहले आपको यूज ऑफ इज एम आर प्लस एबल टू का प्रयोग बताना चाहूंगा। इज एम आर प्लस एबल टू का प्रयोग में नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जहां कोई आवश्यकता हो, कहीं और अनिवार्यता हो, वहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशंस। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। आज मैं आपको इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव के बारे में बताना चाहूंगा। अब आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जरूरी बात, यहाँ पे दिया हुआ है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इंटरोगेटिव। Is MR subject plus not plus able to plus given plus object. This is called interrogative with negative. See guys, ये आपका interrogative है, ये आपका interrogative with negative. ये आपका इस structure का use करने के लिए जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं उस समय आप इसी शब्द का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस में, क्या तुम मेरे सामने प्रभावशाली अंग्रेजी बोल पाते हो? अगर आप छोटे छोटे वाक्यों से इस छोटे छोटे यूजर्स को प्रभावशाली बनाएंगे तो आपके इंग्लिश ऑटोमेटिकली प्रभावशाली हो जाएगी। तो आपको इसके देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। याद रहे, सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को ज्यादा ध्यान ना देते हुए आपको देखना है स्ट्रक्चर की ओर चलना है। आपको यहाँ पे देखना है परसिस्टेंट रूल्स को फॉलो कीजिए कि रूल्स क्या है। इसमें दिया हुआ इज एम आर। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे हम इज एम आर यूज कैसे करेंगे। इज एम आर तो यूज तो तब करेंगे जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम। अब आप ही बताइए, तुम के साथ इज तो आएगा नहीं, एम तो आएगा नहीं, तो निश्चित रूप से यू के साथ क्या आएगा? आर। तो यहाँ पे हमने आर, तो यहाँ पे हमने लिया आर, चूंकि इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आर। अब बचा सब्जेक्ट, तो आपने ऑलरेडी बता ही दिया है, तो यहाँ पे यू। उसके बाद आपका है एबल टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको जैसे आपने बताया गया है कि पाते हो के पहले जो शब्द लिखा होगा वही आपकी मेन वर्ब होगी। उसमें वर्ब क्या है? बोलना। ठीक है, तो बोलिंग किसकी होती है? स्पीक। क्या बोलोगे? प्रभावशाली। क्या तुम मेरे सामने प्रभावशाली अंग्रेजी, सॉरी यहाँ पे वर्ड छोड़ गया है अंग्रेजी, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, क्या आर यू एबल टू स्पीक इफेक्टिव इंग्लिश? अब यहां पे दिया हुआ है मेरे सामने, तो आप तो क्या है, अब आपको देखना आर यू एबल टू स्पीक इफेक्टिव इंग्लिश, क्या तुम मेरे सामने प्रभावशाली अंग्रेजी बोल पाते हो? तो आप देखिए वर्ब, ये वर्ब जो है बोलना, क्या बोलोगे? प्रभावशाली अंग्रेजी बोलोगे। किसके सामने बोलोगे? मेरे सामने, यही आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या आएगा? बिफोर मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आर यू एबल टू स्पीक इफेक्टिव इंग्लिश बिफोर मी या इन फ्रंट ऑफ मी, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इस जगह पे इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से क्या वे किताब पूरी तरह पढ़ पाते हैं? क्या वे किताब पूरी तरह नहीं पढ़ पाते हैं? This is called interrogative with negative. अब इसको हम बनाते हैं। देखिए, ये interrogative with negative है, तो पहले क्या लेंगे? Is हमारे पास एक लेंगे, लेकिन उसके पहले subject दे देंगे। Subject क्या है? We. तो we English क्या होती है? They. तो they के साथ क्या आता है? Are. देखिए, ध्यान रहे इस बात को कि आप कुछ चीज जान लीजिए, आप हमेशा I के साथ am का ही प्रयोग करें, you के साथ are का प्रयोग करें, और you के साथ अगर they है तो भी आप आर का प्रयोग करेंगे, और वी है तो भी आप। इसके अलावा अगर प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ आप आर का ही प्रयोग करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि इसका प्रयोग कहां करना है? तो ही शी इट नेम्स, नेम्स में आपका नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ही शी इट नेम्स, इन सभी के साथ आप हमेशा इस का प्रयोग करेंगे। तो आप चलते हैं यहाँ पे, क्या वे किताब पूरी तरह नहीं पढ़ पाते हैं? तो चूंकि ये आपको लेना है, इनमें से एक वर्ड लेना है, तो आपने ले लिया आर। चूंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका दे, ये हमने ले लिया दे, आर दे।
फिर बचा क्या नॉट, अब आपने यहाँ पे लिखा नॉट, फिर एबल टू, या आपने यहाँ पे दिया एबल टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कहाँ है इसमें देखिए, यहाँ से देखिए पता है वर्ब कहाँ है, पाता के पहले शब्द क्या आएगा पढ़ना, तो पढ़ इंग्लिश क्या होती है, वेरी गुड आपने सही कहा, यहाँ पे क्या है रीड, रीड मीन्स पढ़ना। आर दे नॉट एबल टू रीड, क्या पढ़ पाते हैं किताब, क्या नहीं पढ़ पाते बोलो किताब, तो आर दे नॉट एबल टू रीड 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 बुक, आर दे नॉट एबल टू रीड बुक किस तरह से, पूरी तरह से, तो यहां पे आपको देना है प्रॉपरली। आर दे नॉट एबल टू रीड बुक प्रॉपरली, इस बात का ध्यान रहे कि यहां पे आपको ए का प्रयोग करना है, ठीक है, आर दे नॉट एबल टू रीड अ बुक properly, तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, और आपने आपने प्रश्न पूछा परंतु इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में है। उम्मीद है कि आपको ये लाइनें समझ में आ रही होंगी, इसके अलावा भी कुछ कंफ्यूजन हो आपको हो तो प्लीज इसको लिख कर भेजें और इसके बारे में मुझे बताएं ताकि मैं आपको इससे भी बेहतर तरीका आपके सामने आपको दे सकूं। वेल गाइस, एक बात विशेष रूप से जान लीजिए कि इन छोटे छोटे यूजेस को अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो जीवन में आप हमेशा बिल्कुल प्रभावशाली अंग्रेजी बोलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, और आप बोलेंगे, बस आवश्यकता क्या पड़ेगी, आवश्यकता है प्रैक्टिस करने की। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट इन इंग्लिश विद दिस एंड माय वर्ड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।